हाईवरीवन स्वागत है आप सभी का लर्निंग ग्रुप चैनल पे आज है 11 मार्च और 11 मार्च से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं आज हम इस वीडियो में करेंगे और अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पे जाइए टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा और वहाँ से इसकी पी डाउनलोड कर सकते हैं और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा हाल ही में किस राज्य के माजुली मुखोटे और पांडुलिपि पेंटिंग को जी टैग मिला है हाल ही में असम के माजुली मुखोटे और पांडुलिपि को जीआई टैग मिला है ये है असम का मांजुली मुखोटा और पांडुलिपि पेंटिंग जिससे कि जीआई टैग मिला है बाकी के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट इस क्वेश्चन से निकल के आते हैं वो देखते हैं अब उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा के सिल्वर फ्लिगरी और काई चटनी कौन कौन से सिल्वर फ्लिगरी और काई चटनी को जी टैग हाल ही में मिला है साथ में अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश की आदि के किर जो कि एक अदरक की किस्म है उसे हस्त निर्मित कालीन और बांचो शिल्प को जीआई टैग मिला है तीन चीजें जो हैं अरुणाचल प्रदेश से ये हैं और इन्हें जीआई टैग हाल ही में मिला है इसके साथ साथ अयोध्या के जो बेसन के लड्डू हैं उन्हें और त्रिपुरा की रिसा को जीआई टैग मिला है तो हाल ही में ये जीआई टैग जो मिले हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं तो आपने ये ध्यान रखनी है बातें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हाल ही में आईसी टेस्ट रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर पहुंच गया है तो अब जो है आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष पे है हमारा देश भारत पहले ये ऑस्ट्रेलिया शीर्ष पे था बट अब हमारा देश भारत जो है वो शीर्ष पे पहुंच गया है आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में हम नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में विचोम किस राज्य का सत्ताईसवां जिला बना है विचोम जो है हाल ही में अरुणाचल प्रदेश का सत्ताईसवाँ जिला बना है अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है ईटानगर ये आपने ध्यान रखना है भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के नए अध्यक्ष चुने गए हैं देवेंद्र झांझेरिया सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही रहेगा एम के कुमार जो हैं हाल ही में बैंक ऑफ इंडिया के गैर कार्यकारी अध्यक्ष चुने गए हैं और आशा लकड़ा जो है ये राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य चुने गए हैं तो इसके रिलेटेड जो पॉइंट बन रहे थे वो मैंने आपको बता दिए ये इंपॉर्टेंट हैं ध्यान रखने हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है महतारी बंधन योजना का वर्चुअल आरंभ नरेंद्र मोदी द्वारा कहाँ किया गया महतारी बंधन योजना का वर्चुअल आरंभ जो है ये नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया ये किया गया है हाल ही में छत्तीसगढ़ में क्या है ये योजना तो इस योजना के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूँ इस योजना के तहत जो विधवाएँ हैं या आर्थिक रूप से कमज़ोर महिलाएँ हैं उन्हें पर मंथ एक हज़ार रुपया जो है वित्तीय सहायता दी जाएगी इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ सरकार जो है वो अवैध धर्मांतरण रोकने के लिए भी कानून लाएगी ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है छत्तीसगढ़ से बनता है छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है रायपुर नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में ऑपरेशन कामधेनु किस राज्य की पुलिस द्वारा शुरू किया गया है ऑपरेशन कामधेनु जो है वो जम्मू एंड कश्मीर पुलिस द्वारा लागू किया गया है ये जानवरों की जो तस्करी की जाती थी उसे रोकने के लिए जम्मू कश्मीर की पुलिस ने ऑपरेशन कामधेनु जो है वो लॉन्च किया है इसके साथ साथ पी विश्वकर्मा योजना जो थी उसको लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है जम्मू एंड कश्मीर जम्मू एंड कश्मीर के जो किश्तवाड़ जिला है उस जिले के केसर को जीआई टैग मिला है क्योंकि हमें पता है केसर जो है भारत में जम्मू एंड कश्मीर में उगाया जाता है जो जम्मू कश्मीर का किश्तवाड़ जिला है उसके केसर को जीआई टैग जो है हाल ही में मिला है नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में सी सिक्स एनर्जी सी सिक्स एनर्जी ने पहले मैकेनाइज समुन्द्री शेवाल फॉर्म कहाँ खोला है ये इन्होंने खोला है इंडोनेशिया में इंडोनेशिया जो है इसका करेक्ट आंसर होगा और इसके राष्ट्रपति हैं प्रबोबो सुबियातो कौन है प्रोबो सुबियातो हाल ही में तिरतालीसवां जो आशियान शिखर सम्मेलन है वो जकार्ता में हुआ आशियान का हेडकॉर्टर भी जकार्ता में है इंडोनेशिया की जो कैपिटल है वो दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी जो है वो बन गई है नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में महिला दिवस पर किस राज्य द्वारा चौथे महिला नीति आयोग का अनावरण किया गया महिला दिवस पर चौथे महिला नीति आयोग का अनावरण किया गया है महाराष्ट्र सरकार द्वारा महाराष्ट्र की राजधानी क्या है महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई सीएम है एकनाथ शिंदे और गवर्नर हैं रमेश नेक्स्ट क्वेश्चन हाल ही में सीआईएसएफ सीआईएसएफ की स्थापना दिवस स्थापना दिवस दिवस कब मनाया गया का जो है हाल ही में 10 मार्च को मनाया गया सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही रहेगा 7 मार्च को बहुत ही इंपॉर्टेंट दिवस मनाया गया है जन औषधि दिवस साथ साथ 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया तीन मार्च को मनाया गया है विश्व वन्य जीवन दिवस क्योंकि ये इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है तो हम मार्च के महीने में जो अभी तक जितने भी इम्पोर्टेंट डे बनाए गए हैं उनके बारे में बात करेंगे जिससे कि हमारी रिवीजन जो है वो इम्पोर्टेंट डे से रिलेटेड हो फर्स्ट मार्च को मनाया गया है शून्य भेदभाव दिवस और साथ ही विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस तीन मार्च को मनाया गया विश्व वन्य जीवन दिवस चार मार्च को मनाया गया है राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस छः मार्च को घाना स्वतंत्रता दिवस मनाया गया आठ सात मार्च को मनाया गया, जन औषधि दिवस आठ मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और दस मार्च को मनाया गया है हाल ही में सी आई एस एफ स्वस्थापना दिवस तो ये इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट बन रहे थे जो कि हमारे आने वाले एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो लाइक और शेयर करना ना भूलें थैंक्स फॉर वॉचिंग